मंसूर के भाई पार्श्वनाथ चौराहे पर 6 जून 2017 को हुई किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत हुई। आज किसान आंदोलन की चौथी बरसी पर किसान संगठनों के नेताओं ने आंदोलन में मृत किसानों के गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान किसान नेता मेघा पाटकर और कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन मौजूद रहे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन में हुए गोष्ठकांड में पूनम चंद पाटीदार टकरावत, कन्हैयालाल पाटीदार चिलोद पिपलिया, अभिषेक पाटीदार बरखेड़ा पंत, सत्यनारायण धनगर लोक, शेरना पाटीदार नया खेड़ा की गोली लगने से मौत हो गई, तो बड़वन निवासी घनश्याम धाकर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। किसान आंदोलन की चौथी बरसी पर टकरावत में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि विरोधी बनाए गए तीनों काले कानून वापस लेने तक लड़ाई जारी रही। कोरोना व लॉकडाउन के नाम पर सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। मंसूर का किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बना व आज देश भर में जगह जगह आंदोलन हो रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से भाजपा में जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीति आजकल बाजार हो गई है। ये बात सत्य है कि पीड़ित किसान जो है उनको अभी तक न्याय जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिला है। जबकि जब सत्ता में आने की बात जब थी, जिस समय चुनाव थे, दोनों ही पार्टियों ने ये कहा था कि शहीद किसानों के ऊपर जिन अधिकारियों ने जो है गोलियां चलाई है उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल जो है इनको 1 करोड़ रुपये दे के तत्कालीन जो सरकार है शिवराज सरकार उनने इन परिवारों को जो है दबा दिया है, यहाँ के किसानों को दबा दिया है, डर बिठा दिया है। जबकि जो समस्याएँ थी, जो मांगें थी, वो आज भी तस की तस जैसी की जैसी बनी हुई है और कहीं न कहीं किसान इस क्षेत्र का डर गया है। वो अब जो है जो आंदोलन जब किसानों के होते हैं तो उसमें जाने की इच्छा नहीं रखता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है उन परिवारों को जो शहादत हुई उन परिवारों को और किसान नेताओं को जो है बार बार उनको धमकाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ के किसान जो है डर गए हैं और कहीं न कहीं पूरा भारत का किसान जो है इनसे प्रेरणा लेकर के आज संयुक्त मोर्चा बना है। तो इस मंसूर जिले का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस मंसूर जिले के किसानों का नाम लिया जा रहा है और मंसूर की जो ये भूमि धन्य है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये जो फर्जी मुकदमे जो किसानों के ऊपर लादे गए थे उस समय जो कांग्रेस ने वादा किया था सरकार बनेगी तो हम वापस लेंगे, उन्होंने कुछ जो है कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ केस वापस हुए हैं, कुछ मुकदमे आज भी चल रहे हैं उनको वापस नहीं लिए गए हैं। और जो तीन काले कानून बने हैं ये जो है जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक मंसूर जिले का किसान भी जो है लगातार संघर्ष करता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा। देखिए आज जो श्रद्धांजलि दी गई है इस मंसूर जिले में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो राष्ट्रीय नेता है मेघा पाटकर जी, डीपी धाकड़ जी, किसान नेता जो रतलाम जिले के हैं आदि, ऐसे कई किसान जो है अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और किसानों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। आज मेघा जी यहाँ पर गोलीकांड में घायल किसानों को और जो किसान हमारे बीच नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रही हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक प्रखर सर्वोदयी और गांधीयन मार्ग पर चलने वाली जन नायिका हैं। हम सब उन्हीं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और जाहिर है कि जिस तरह से निरंतर किसान संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में भी हम सब उसको देख रहे हैं, तो उनको भी न्याय मिले। जो तीनों किसानों के कानून बने हैं जो पूरी तरह से छोटे मझोले किसानों के खिलाफ हैं वो वापस लिए जाएं, ये भी एक प्रकार की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जैसा आपने सही कहा कि किसानों को जो गोलीकांड हुआ था उसमें आज भी न्याय की उम्मीद है, वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसमें भी सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन की जो बात है, उनकी जो अपील है उसको सुना जाए, इसी उम्मीद। क्यों के सामने झुकने वाली सरकारों ने जो जो कानून लाए हैं लॉकडाउन का फायदा लेकर, वो किसानों के मजदूरों के विरोध में है और इसीलिए किसानों का संघर्ष मंदसौर की शहादत से प्रेरणा ले रहा है। MSP की मांग है तो हर बार उठती थी, स्वामीनाथन आयोग के आधार पर MSP देने की न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद हर पार्टी के घोषणा पत्र में आती थी, लेकिन चुनाव के बाद, दो चुनावों के बीच कुछ होता नहीं था, सब भूल जाते थे किसानों को। और अन्न सुरक्षा देने वाले अगर किसान ही हैं और खाद्यान्न अगर अत्यावश्यक वस्तु भी नहीं जीवन आधार है, तो आज जमाखोरी की छूट दे रहे हैं, आज निजी मंडियों को छूट दे रहे हैं, आज राशन व्यवस्था खत्म करने जा रहे हैं, निजी गोडाउन्स और साइलोज बन रहे हैं, ये क्या बात है। और किसानों के बलबूते पर ये कमा रहे हैं कितने करोड़, गौतम अडानी 384 करोड़ रोज की कमाई लेते हैं और मुकेश अंबानी 1000 करोड़ से ज़्यादा,
तो ऐसी स्थिति में किसानों की आत्महत्या हमारे लिए शर्मजनक बात है और इसीलिए लड़ना ही पड़ेगा। मंदसौर के शहीदों ने, कन्हैया लाल जी हो, अभिषेक भाई हो या और पूनम चंद हो, 6 शहीदों ने जो निरपराध होते हुए भी शहादत दी, जिनको देनी पड़ी, उससे प्रेरणा लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बना है। आज देश भर मंदसौर के शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और ये इसीलिए ज़रूरी है कि वहीं से आग्रह उठा संपूर्ण कर्ज मुक्ति का और हर उपज को, न केवल 23 फसलों को, फल सब्जी दूध भी, वनोपज भी, हर प्राकृतिक उपज को सही दाम देने वाला MSP चाहिए, तो ही आत्महत्या रुकेगी, जो हत्या ही है व्यवस्था ने की हुई। ये एक प्रकार की हत्या है और जो आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर है वो आत्महत्या भी हत्या ही है व्यवस्था की तरफ से। और इसीलिए इन शहीदों से हम प्रेरणा लेते हैं और आज से भी आगे 500 शहीद हो ही चुके हैं दिल्ली के सीमा पर भी, तो भी डटे हुए हैं। अभी मैं दिल्ली बॉर्डर से ही, टिकरी बॉर्डर से ही आई, महिला है, पुरुष है और जिनके ट्रैक्टर्स वापस गए हैं उन्होंने बाम्बू के घर ही बना दिए हैं, तो अब वहाँ धरना नहीं, एक बस्ती बस गई है आंदोलन जीवियों की। और इसीलिए ये आंदोलन अपनी मांग पूरी करके ही रहेगा, ये निश्चय है। और मंदसौर के भी शहीदों के परिवारजन आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है या किसी ने अपने पिताजी को खोया है, लेकिन वो भी आज शामिल हो रहे हैं, न केवल श्रद्धांजलि पर कार्यांजलि देने के लिए। इस प्रकार की एकजुटता, हिम्मत, जीवटता आंदोलन में होनी ही पड़ती है, जो मंदसौर वासियों में है। इसीलिए आज हमारे साथ मीनाक्षी नटराजन, भूतपूर्व सांसद आई है, नर्मदा घाटी के साथी आए हैं, DP धाकड़ जी और रतलाम जावरा के साथी आए हैं। उसे लगता है कि ये पूरा क्षेत्र एक प्रेरणा का स्रोत बना है और बन के रहेगा, और हमारी जिम्मेदारी है कि शहादत को हम न भूलें और मंजिल तक पहुँचाएं। मंदसौर से रविशंकर धाकड़ की रिपोर्ट।